सो हाय, दिस इज वेक एंड यूर चिकन चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी। तो इस बार आपको सीखना है भाई कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ जो मैं बनाने जा रहा हूँ भाई बीकॉम हो चाहे आपका बीकॉम ऑनर्स हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो अगर आप सीए कर रहे हो या फिर सीएस कर रहे हो आपके थोड़े से काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे जो टॉपिक है वो डीपली दे रखे हैं, और यहाँ पे जो कंपनी लॉ है ना सर, आपकी सीए की फाउंडेशन चाहे इंटरमीडिएट चाहे आपका फाइनल सी हो, उसमें से हर एक में से कुछ ना कुछ टॉपिक उठा रखे हैं। तो अगर आप कॉलेज में हो तो आपको तीनों ईयर की ये मान के चलो कि सीए की पूरी पूरी आपकी कंपनी लॉ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, केवल एक साल के एक एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, तो कॉलेज के एग्जाम थोड़े से मुश्किल होते हैं भाई, चलते हैं। वैसे तो सबको लगता है कि इजी होते हैं, मगर कहा जाए तो भाई कुछ ज़्यादा ही टॉपिक दे रखे होते हैं, क्योंकि सीए के ना अंदर ना एचआरएम पढ़ना होता, ना कुछ से टॉपिक पढ़ने होते हैं। लेकिन चलते हैं, कॉलेज के अंदर आपके तीन साल जो होते हैं उसके अंदर सारे टॉपिक कवर किए जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि तुम बना बना के लिखे आते हो तो आराम से पास हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ो तो बहुत चीज़ें आपको सिखाई देंगी, मतलब सिखाई जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। हाँ, बस ये कि सीए के अंदर थोड़ी सी डीपली होगी कंपनी लॉ, उसकी भाई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीए एक अलग से कोर्स ही होता है पूरा उसके लिए। ठीक है, हाँ जी। तो उसके अंदर बहुत डीपली दे रखा है, लेकिन हमको उतना डीपली पढ़ना नहीं, हमें खाली ओवरव्यू करना है कि कंपनी लॉ है क्या, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो सीए का हुआ वो सारा का सारा कुछ टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे दे रखा है कंपनी लॉ के अंदर। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का सीए का जो कंपनी लॉ होगा वो चाहे तो उठा के पढ़ सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे केवल एक सीरीज देख लो तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली मैं कॉलेज वालों के लिए बना रहा हूँ, सीए वाले या फिर सीएस वाले जो स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, सीएस वाले नहीं देखते भाई, सीएस वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही डीपली है क्योंकि उनका तो लॉ का ही काम है। सीए वाले थोड़ा सा देख सकते हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है। अब सीए के बहुत सारी कोर्सेज बने हुए हैं, मैं अलग से कोशिश करूँगा बना दूँ तो आप वो देख लेना। ये भी खाली कॉलेज के लिए बन रही है। ठीक है, तो चाहे आप बीकॉम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो तो आप कंपनी लॉ देख सकते हो। शुरू करते हैं भाई फिलहाल। तो बात आती है भाई कंपनी लॉ की, जिसमें हम चालू करने वाले हैं पहला चैप्टर। ठीक है, जिसके अंदर हम खाली हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जो कि हमने सीए के अगर आप क्या बोलते हैं उसमें हो फाउंडेशन में तो आप उसके अंदर सीख पाओगे इंट्रोडक्शन के बारे में। और अगर क्या बोलते हैं कंपनी लॉ आप सीख रहे हो क्या बोलते हैं किसके अंदर, बीकॉम के अंदर या फिर बीकॉम प्रोग्राम मतलब कॉलेज ऑनर्स के अंदर, ठीक है, तब आप सीख पाओगे। तो शुरू करने से पहले भाई अब अपनी बात। ठीक है, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं ना भाई पूरी पूरी कंपनी लॉ के, ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। भाई मैं अभी जो ये जो सीरीज बना रहा हूँ ये केवल कॉलेज वालों के लिए है। किसके वालों के लिए? कॉलेज वालों के लिए। हाँ, वो बताया था कि आप सीए वाले हो तो सीएस वाले हो तो अपना ओवरव्यू कर सकते हो कि एग्जाम से पहले क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, वो ओवरव्यू हो जाएगा आपका। लेकिन अगर बेसिकली जो बन रही है वो कॉलेज वालों के लिए बन रही है, आसान। हाँ जी, तो DUSOL में अगर आपका एडमिशन हो रखा है बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स में तो आप देख सकते हो आराम से। हाँ, तो नोट्स अगर किसी को परचेज करने हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, व्हाट्सअप करना भाई, जल्दी से कॉल मत करना क्योंकि कॉल करते हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, तो व्हाट्सअप करोगे आपको आराम से मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स जो भी होंगे, क्या बोलते हैं फुल प्राइस एक ही बार में, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप पे करके परचेज कर सकते हो व्हाट्सअप अपने PDF की फॉर्म में। टेंशन मतलब मेरी राइटिंग मेरे को पता है बहुत खराब है। ठीक है, तो मेरी राइटिंग में नोट्स नहीं है, जो नोट्स बने हुए हैं ना भाई वो नोट्स हैं कंप्यूटर टाइपिंग में, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी समझने में, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, शुरू करते हैं। बात आती है भाई सबसे पहले कंपनी की। कंपनी होती क्या है? इट इज ए लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन एंड ऑपरेट ए बिजनेस। क्या होता है कंपनी? मतलब बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, ये थोड़े से लाइन लगाना भूल गया, कमर्शियल हो चाहे फिर इंडिविजुअल हो। शुरू करते हैं, कंपनी क्या होता है? एक लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल एंटिटी होती है फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो क्या करते थे? वो फॉर्म करते हैं किसको? एक लीगल एंटिटी को, टू एंगेज एंड ऑपरेट ए बिजनेस, एक बिजनेस चलाने के लिए या फिर एक एंटरप्राइज चलाने के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो क्या हो इंडिविजुअल। आसान है। कंपनी मतलब क्या होता है भाई? कंपनी मतलब होता है कुछ लोग, या फिर एक इंसान भी हो सकता है या फिर कुछ लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1% कंपनी भी होती है कई बार, तो कुछ लोग या फिर एक इंसान कोई भी हो, कुछ लोग क्या करते हैं एक लीगल एंटिटी फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? लीगल एंटिटी फॉर्म करते हैं, एक लीगल तौर पे एक कंपनी खड़ी करते हैं या फिर एंटिटी फॉर्म करते हैं, एंटरप्राइज बनाते हैं, कोई बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर बिजनेस को रन करने के लिए। किस चीज़ के लिए? एंगेज इन ऑपरेट ए बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लोग एक एंटिटी बनाते हैं, लीगल एंटिटी, जिसे क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। बेसिकली जितने भी आपने बिजनेस करे होंगे वो लीगल एंटिटी नहीं होता था, लेकिन अब से क्या हो जाएंगे? जो कंपनी होती है वो लीगल एंटिटी होगी, यानी कि एक तरह से कंपनी की खुद की पहचान होगी। आसान है। अगर आपको कर्जा चाहिए, लोन चाहिए, किसी से बात बात करनी है, तो पहले आप क्या करते हैं भाई? पहले आप किसी इंसान के बेसिस पे बात नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी बिजनेस के तौर पर आप लोन नहीं ले सकते थे। मान लो मेरा एक बिजनेस है कि मैं क्या करता हूँ, मैं टमाटर बेचता हूँ या फिर आलू बेचता हूँ। ठीक है, मेरा एक बिजनेस है जिसमें मैं टमाटर आलू बेचता हूँ,
क्या इसके बेस पे मैं लोन ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। लेकिन ये कंपनी क्या होती है, कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। लीगल एंटिटी बनने के बाद एक कंपनी का एक अलग से अस्तित्व हो सकता है, यानी एक तरीके एक अलग से इंसान बना दिया हमने कंपनी को। कंपनी क्या होता है, एक अलग से इंसान बन जाता है, और उस इंसान वो इंसान अलग से क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। आसान है। तो बस एक लीगल एंटिटी बन जाती है जिसके तहत आप कोई भी काम करवा सकते हो। एक तरीके से माना जाएगा कि वही कंपनी ही क्या है, एक इंसान है। ठीक है भाई, हाँ जी चालू करते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, याद रखना। तो ऐसे ही में इंसान नहीं है, कभी तुम इससे दिल लगा बैठो तो सर दिल लगाने वाली बात नहीं आती यहाँ पे। एक इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फिर आर्टिफिशियल के तरीके से काम करवाना है, मतलब जो काम करवाना है, प्रॉफिट मोटिव है आपका तो प्रॉफिट मोटिव करवाइए। मैं हाँ जी, तो बाकी चीज़ें छोड़ देना, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। फिलहाल चालू करते हैं। कंपनी का मीनिंग क्या होता है, ये बता रखा मीनिंग इसका सेक्शन 2 और 20 के अंदर। भाई ये जो होता है ना सबसे पहले वाला, इसको बोलते हैं सेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, सेक्शन। और इसके बाद अगर कुछ लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो उसे बोलते हैं सब सेक्शन। क्या बोलते हैं उसे, सब सेक्शन। आसान है। अगर इसके बाद भी कुछ लिखा होता जैसे ए बी सी डी कुछ भी लिखा होता तो उसे मैं बोलता क्लॉज। क्या बोलता उसे, क्लॉज। तो सबसे पहला वर्ड होता है सेक्शन, उसके बाद होता है सब सेक्शन, उसके बाद क्या होता है, क्लॉज। लेकिन अभी फिलहाल कुछ लिखा नहीं है क्लॉज व्लॉज के बारे में। तो सेक्शन 2 और 20 के अंदर लिखा हुआ है कंपनी क्या होता है, कंपनी ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस एक्ट। एक कंपनी जो कि इस एक्ट में, इस एक्ट से मतलब क्या है, एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट है वो 2013 में बना हुआ है। भाई कंपनी एक्ट ताज़ा अभी अभी आया है, मुश्किल से कितने साल पहले, 7 साल पहले, 7 या 8 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, हाँ जी। तो कंपनी एक्ट जो है वो क्या, कंपनी क्या होती है, एक ऐसी इनकॉर्पोरेशन होती है, एक ऐसा बिजनेस होता है। ठीक है, जो कि कौन से एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो 2013 के एक्ट के अंदर बना हुआ है। आसान है। और एनी प्रीवियस एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, और जो पुराने पिछले एक्ट है उनके अंदर भी बनाओ तब भी उसे कंपनी ही माना जाएगा। तो कोई कंपनी जो 2013 के एक्ट बनी हो या फिर जो पुराने एक्ट है उनमें बनी हो, पुराने एक्ट कौन कौन से, लाइक 1913 और जैसे कि 1956, मतलब 1913 और 1956। अगर कोई कंपनी चलते इन तीनों एक्टों में से किसी में भी एक्ट में बनी है तो उसे माना जाएगा क्या है, वो एक कंपनी है। आसान है। चाहे वो एक्ट 1913 में बनाओ, चाहे वो एक्ट 1956 में बनाओ, चाहे वो एक्ट 2013 में बनाओ, तो कंपनी किसी भी एक्ट के द्वारा बनाई गई है तो वो कंपनी मानी जाएगी। आसान है। तो कंपनी क्या होती है, एक क्या होता है, एक इनकॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस एनी के प्रीवियस एक्ट इज नोस, क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया, सॉरी भाई। आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंदर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंदर कोई कंपनी बनी हो, या फिर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी हुई हो जैसे 1913 और 1956 के अंदर, तो उसको क्या माना जाएगा, कंपनी ही माना जाएगा। आसान है। कंपनी एक्ट जो है 2013 ये बना तो सब भाई, कंपनी एक्ट है ना भाई, तो फिर ये एक बार में तो बनता नहीं है, तो धीरे धीरे करता है, मतलब धीरे धीरे बनता है। तो पहले कुछ जो इसके एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस हैं वो तो बने थे, कब कब बने थे, 29 सितंबर में। इतना बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहले कुछ प्रोविजन लगभग 83 के आसपास प्रोविजन जो थे वो 29 सितंबर को बन चुके थे। ठीक है, हाँ जी। बाकी कुछ प्रोविजन जो बच गए वो हमने बनाए थे कब, कहाँ गया, लिख तो रखा था मैंने 1 अप्रैल, ये रहा, हाँ जी। तो बाकी जो कुछ जो प्रोविजंस हैं वो कब से बने भाई, 1 अप्रैल 2014 से। आसान है। यानी कि कंपनी एक्ट के कुछ ज़्यादातर भी मान लो कंपनी एक्ट जो है ना वो कब से बनी है, 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हो गई इंडिया पे। तो कंपनी एक्ट जो है वो पहले ही बन चुका है, यानी 2013 में कुछ कुछ धीरे धीरे करके एक्ट बनाते जा रहे थे हम, लेकिन एप्लीकेबल कब से है, 2014 से। तो हम ये मानेंगे कंपनी एक्ट 2013 में बन ही रहा था, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ, 2014 से। तो अगर कंपनी एक्ट का नाम लिखा जाए तो इसी वजह से हमने लिखा है कंपनी एक्ट 2013। क्या लिखा है, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, हाँ जी। तो कंपनी एक्ट 2013 कब क्यों बना, क्योंकि हम कंपनी एक्ट 2013 में बना रहे थे, कंपनी के बहुत सारे नियम कानून जितने भी हैं, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, 2014 में उसे अप्लाई कर दिया। यानी कि एप्लीकेबल कब से है ये एक्ट, 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल है। इस एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंटेन 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 क्या हैं, चैप्टर्स। भाई अगर एक एक नंबर के MCQs आए या फिर कोई चीज़ें आई तब तो उसके अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा, आ जाएगा टॉपिक, तुम कर दोगे आराम से। लेकिन आपके एग्जाम्स में एक एक नंबर में तो कुछ आता नहीं है, तो इस वजह से ये वाली चीज़ें ना ही याद करो तो ज़्यादा बेटर है। CA और CS वालों के लिए थोड़ी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि उनके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता कॉलेज वालों के में। ठीक है, हाँ जी। तो कंटेन
470 सेक्शंस, यानी कंपनी एक्ट के अंदर कितने होते हैं, 470 सेक्शंस होते हैं, 7 शेड्यूल्स होते हैं और 29 क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। जिन सारे सेक्शन, कितने सेक्शंस हैं इसके अंदर, 470 सेक्शंस, और 470 सेक्शंस के बारे में हम पूरी पूरी कंपनी एक्ट के अंदर क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सारे नहीं पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, हम ओवरव्यू करके जाएंगे कि भाई ऊपर ऊपर से कि इस सेक्शन के अंदर ये लिखा होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं वो करवाऊंगा, बाकी फालतू चीजें नहीं करवाने वाला। आसान है? हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से, आते हैं वापस टॉपिक पे। बात आती है हमने ये कंपनी एक्ट बनाया क्यों, कंपनी एक्ट 2013 है, ये बनाया है क्यों था, तो टू गेन हाई स्टैंडर्ड्स। जो पुराने कंपनी एक्ट थे ना, उनकी वजह से ना कंपनी स्टैंडर्ड्स जो था, कंपनियों का स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा गिर चुका था, यानी कि जल्दी से कोई इंसान कंपनी बनाने के लिए चालू ही नहीं हो रहा। ज्यादातर इंसान सोच रहे हैं यार कंपनी बना के कोई फायदा है ही नहीं, बिजनेस चल ही रहा है वैसे, तो कंपनी के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए तो हमने क्या बनाया, कंपनी एक्ट 2013 बनाया। हाँ जी, टू टेक स्ट्रिक्ट स्टेप टू स्टेप ऑप्शन, एक्शन, यानी कि कुछ ना स्टेप्स, मतलब कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमने क्या बनाया था, कंपनी एक्ट। जैसे पुराने जो कंपनी एक्ट थे ना, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स थे, जिसका फायदा उठा के कंपनी वाले बहुत फायदा उठाते थे, ठीक है। हाँ जी, क्या कई बार टैक्स पे नहीं करते थे ठीक से, तो हमने इन सब चीजों से बचने के लिए, यानी कि अपने एक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रिक्ट करने के लिए और फास्ट करने के लिए अपनी सारी चीजों को, हमने क्या बना दिया, कंपनी एक्ट 2013। आगे चलते हैं, मोर इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि भाई जो क्या हो, मोर इफेक्टिव हो, ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि कंपनी एक्ट जब पुराने वाले कंपनी एक्ट देखोगे ना, वहाँ के अंदर वहाँ पे कंपनी बनाना बहुत ऐसा, मतलब ऐसा होता था भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और कंपनी बनाने के बाद कुछ फ़ायदा एक्स्ट्रा मिलता नहीं था। तो हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया कि कंपनी बनाना बहुत आसान है, कि कोई भी इंसान आओ और कंपनी बना लो, ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे भाई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के अंदर आएगा टॉपिक, ठीक है। तो फिर कोई भी इंसान आओ, कंपनी बना लो, किसी भी तरह की कंपनी बना सकते हो आप आराम से, ठीक है। हाँ जी, और मतलब आसान है कंपनी बनाना, और उसके बाद उसको चलाओ, उसके बाद क्या होता है, जितने भी टैक्स वैक्स होंगे कैलकुलेट किए, मतलब सब चीज सिंप्लीफाई कर दी इस टॉपिक में, ठीक है भाई। हाँ जी, तो हर चीज सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए हमने क्या बनाया, ये बनाया क्या, कंपनी एक्ट 2013। तो किस चीज के लिए, टू इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, मोर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करने के लिए। आगे चलिए भाई, बात आती है भाई क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। भाई जितना भी तक करवा दिया ना, ये एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट था, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जिसको मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार आता है, ठीक है, तो ध्यान से समझ के जाना। अच्छा, थोड़े थोड़े भाई चालू करता हूँ फिलहाल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी मतलब पहचान क्या होती है कंपनी की, आप कैसे पहचानोगे कि कंपनी की खासियत क्या होती है। आप कह सकते हो फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो कंपनी जो होती है वो क्या होती है, एक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक क्या होती है कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है भाई, सुनिए ध्यान से, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, भाई ये नोट कर लिया हो ना तो मिटो दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, 7 शेड्यूल होते हैं और 470 क्या होते हैं सेक्शंस, और 1 अप्रैल 2014 को क्या होता, कंपनी का एप्लीकेबल हुई थी। हाँ जी, तो बात आती है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो जो कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बेसिकली क्या, मान लो कोई बिजनेसमैन है और वो चाहता है अपनी कंपनी खोलना, ठीक है, तो कंपनी में ये नहीं होता जैसे दुकानदार पे होता है ना, जैसे दुकानों में होता है एक फर्म खोल ली बिजनेसमैन ने, उसी गल्ले पे खुद बैठ गया, जितने भी लोग आ रहे हैं कपड़े वपड़े लेने या फिर किसी काम के लिए, तो फिर वो दुकान में जा रहे हैं आराम से, चलते कपड़े वपड़े चुन लिए और बिजनेसमैन के पास आए, इसको पैसा दे दिया और आराम से चला गया बंदा। तो अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो दुकानदार तो फंस जाएगा, दुकानदार बोलेगा मैंने सामान थोड़ी ना बनाया, लेकिन सामान तो फैक्ट्री वालों ने बनाया है, लेकिन कंपनी वाले मतलब जो ग्राहक है वो क्या करेगा, आगे किसको तोड़ेंगे, वो दुकानदार को तोड़ेंगे, क्योंकि तूने माल बेचा ही वाला, समझ में आया ना। हाँ जी, तो सेम इसी तरीके से वो फंसना नहीं चाहता और वो चाहता है कि क्या बोलते हैं सारी सारी जिम्मेदारी किसकी हो, वो कंपनी की हो, मेरी कोई जिम्मेदारी ना हो। तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, कंपनी, और कंपनी बना दी तो अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, यानी कि दो इंसान हो गए अब ये, एक तो हो गया बिजनेसमैन, ठीक है, और एक हो गया कंपनी। बिजनेसमैन अलग हो गया जिसने कंपनी में पैसा लगाया, और एक कंपनी अलग हो गया, भाई मेरे को पता है क्या होता है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया वो शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी बनाने वाले जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ बस खाली, ठीक है। तो नीचे कमेंट में बोल देना तुम लोग बहुत वो, ठीक है, तुम बोल दे भी देते हो तो भाई अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आगे टॉपिक आएंगे तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेरे को पता है जो कंपनी बनाते हैं वो मेंबर्स होते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ये सब, ठीक है, अभी खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली घुसूंगा अभी से मतलब कि सारे सारे टॉपिक रह जाएगा। हाँ जी, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी वरना।
तो समझिए सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेसमैन अलग होता है और कंपनी क्या होती है, अलग होती है। इसने ये बना दिया कि बिजनेसमैन अलग है और कंपनी अलग है, ये दीवार खड़ी कर दी। अगर मान लो कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कंपनी से बात करो, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ तो कंपनी से बात करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझाया? यानी कि यहाँ पे सेपरेट होती है लीगल एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने क्या बोलते कोई कस्टमर था, कस्टमर ने कंपनी से सामान खरीदा और क्या बोलते हैं चलते सामान में कोई डिफेक्ट आ गया, अब वो कस्टमर केस करना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ये बिजनेसमैन को आके तोड़ देगा वो यहाँ पे, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं करेगा वो, ठीक है। अगर वो केस करना चाहता है, भाई थोड़ी ठंड हो रही है आजकल मेरे को ठंड लगने लगी, ठीक है हाँ जी, तो अगर वो केस करना चाहता है तो क्या बोलते हैं जो कौन है कस्टमर जो है वो केस करना चाहता है तो ये नहीं सीधा बिजनेसमैन के ऊपर जाके केस करेगा, ऐसे केस नहीं कर सकते। सर आपको किसके ऊपर केस करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी एक क्या होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट अलग से उसकी कुछ पहचान होती है, कंपनी की क्या होती है अलग से कुछ पहचान होती है। कंपनी चाहे तो अपने नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी चाहे तो अपने नाम पे माल परचेज कर सकती है, कंपनी चाहे तो अपने नाम पे माल को बेच सकती है, कंपनी नाम पे मतलब कंपनी एक तरीके से इंसान है जो सारा काम कर सकती है इंसानों वाला, आसान है हाँ जी। तो कंपनी क्या होती है खुद की एक इंसान बन जाती है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है लीगल सेपरेट एंटिटी जो होती है वो अलग हो जाती है, लीगल सेपरेट एंटिटी बन जाती है, आसान है हाँ जी। जैसे कि इसके अंदर एक बहुत फेमस केस है जिसका नाम क्या है, सेलमैन वर्सेस सेलमैन कंपनी एंड लिमिटेड, सेलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, भाई सेलमैन है पता नहीं अब नाम प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी खराब है, ठीक है तो देख लेना अपने आवाज से अपने हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे मैंने पढ़ा था, क्योंकि हम भी यूट्यूब पे पढ़ते हैं या फिर कहीं पे ट्यूशन लगवा लेते हैं, क्योंकि वैसे बेसिकली CA के अंदर पढ़ रहा था मैं, तो उस टाइम पे कुछ सर बोल रहे थे, कुछ टीचर बोल रहे थे कि इसे बोलते हैं सोलोमन, कुछ बोल रहे थे सेलमन, कुछ बोल रहे थे सलमान मतलब सेलमन मेरे हिसाब से तो भाई सेलमन ही है, ठीक है। सेलमन वर्सेज सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड जो कि ये केस है 1897 का, ठीक है, जो कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है किसको, सेपरेट लीगल एंटिटी को, जो कंपनी की क्या बोलते हैं एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है बिजनेसमैन से, यानी बिजनेसमैन अलग होता है और कंपनी क्या होती है अलग होती है, कंपनी की खुद की एक पहचान होती है, तो ये वाला केस बताता है, ठीक है भाई ऐसे केस इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ थोड़ा सा केस के अंदर होता क्या है, क्योंकि हर केस को एक्सप्लेन करना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है कर ही नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से एक केस बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट पड़ रहा है, बाकी केस क्या करें चलते फिलहाल अभी। सेलमन एंड सेलमन कंपनी 1970 मतलब 1897, तो क्या था ये केस, इसके अंदर पता है क्या था, एक सेलमन था और सेलमन की एक कंपनी थी, ठीक है हाँ जी, एक सेलमन था एक सेलमन कंपनी थी। सेलमन ने कंपनी जब खोली ना वो अपने फर्म को यानी कि अपने बिजनेस को उसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कंपनी के अंदर, बिजनेस को उसने कन्वर्ट कर दिया कंपनी के अंदर, और इसके मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसके पास जितना भी पैसा बचा मतलब कि सेलमन ने क्या किया अपने बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंपनी में, ठीक है, और इसमें कंपनी में जब कन्वर्ट किया तो फिर इसको मिली इक्विटी और क्या मिले इसे डिवेंचर्स, तो इससे जब अपनी कंपनी का सारी चीजें किसको में कन्वर्ट कर दी कंपनी के अंदर, तो कंपनी जो होती है उसको क्या देगी बदले में, ये सारी चीजें लगा रहा है ना बिजनेस के अंदर एसेट्स सारी चीजें दे रहा है इसको, तो कंपनी बदले में इसे क्या देगी, इसने दी इक्विटी और डिवेंचर्स, आसान है ठीक है, तो इक्विटी और डिवेंचर्स, और क्या हो गया इसने ये जो अपनी इक्विटी डिवेंचर्स थे ना ये अपनी फैमिली के साथ बांट लिए, यानी कि इसने अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों के साथ, ठीक है, जो कि 7 मेंबर्स थे टोटल मिला के, यानी कि ये और वाइफ और इसके 5 बच्चे जिसमें से 4 लड़के थे और 1 लड़की थी, ठीक है हाँ जी। तो ये जो इक्विटी और डिवेंचर थी ये किसने ले लिए, सेलमन ने ले लिए। अब बात क्या हुई यहाँ पे, कुछ क्रेडिटर भी थे कंपनी के यानी कि जो बाहर से थे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगले साल ना जो कंपनी थी ये जो इन्होंने बनाई थी वो खराब हो गई, यानी कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो अब ये चाहते हैं इस कंपनी को वाइंड अप करना यानी कि इस कंपनी को बंद करना, ठीक है। तो वाइंड अप के टाइम पे इनके पास जो पैसा है मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कितना था मैं भूल गया अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली मान लो कि इनके पास है 10,000 रुपये, कितने रुपये कंपनी के पास देने के लिए कितने रुपये है, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है जिसमें से इक्विटी दो थी इनके पास सेलमन के पास, कंपनी ने दी थी वो दी थी 15,000 की, ठीक है, और जो डिबेंचर थे वो थे भाई 12,000 के, और जो बाहर क्रेडिटर थे वो थे 7,000 के, आसान है ठीक है। अब बिजनेस किसका डूबा, सेलमन का, बिजनेस का मालिक कौन था, सेलमन, लेकिन कंपनी की लीगल सेपरेट एंटिटी होती है मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो इस वजह से कंपनी अलग होती है और कंपनी के बिजनेसमैन क्या होते हैं अलग होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सेलमन है वो कह रहा है मैं मालिक हूँ तो मैं इक्विटी का पैसा नहीं मांग सकता, लेकिन डिबेंचर्स का तो मांग सकता हूँ ना, तो डिबेंचर्स का मतलब होता क्या है कि सेलमन ने लोन की तरह किसको दिया रखा है पैसा, कंपनी को दे रखा है, ठीक है भाई
तो सलमान कह रहा है मेरे को अपने डिबेंचर्स का पैसा चाहिए, लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं वो कह रहे हैं कंपनी तेरी, दुबई तूने, तो सारा का सारा पैसा तू कैसे लेगा? भाई एक काम कर, ये जो डिबेंचर्स का पैसा है ना तू भी मत ले, कि हमको दे दे क्रेडिटर्स को, यानी कि तू पहले किसको पे करे, बाहर वाले क्रेडिटर्स को, क्योंकि कंपनी किसी वजह से डूबी है, तेरी वजह से डूबी है, तेरी कंपनी डूबी है, तो हम क्यों लॉस झेले? तो क्रेडिटर्स कह रहे हैं पहले पैसा हमको दो, बिजनेस का मालिक थोड़ी ना लेगा पैसा, समझ में आया? हाँ जी। और क्या बोलते हैं, यही जो केस था, यानी 10,000 रुपये थे, अब सोचिए 10,000 रुपये हैं, अगर क्रेडिटर्स को 7,000 रुपये देते तो क्रेडिटर संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर ये बिजनेसमैन ले लेगा तो इसको 12,000 रुपये जो थे क्या बोलते हैं उसमें से 10,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 का फिर भी लॉस हो जाएगा। तो उस टाइम पे ये केस चला गया कहाँ पे, कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने पता है क्या डिसीजन लिया, सोचो ये जो 10,000 रुपये हैं किसको दिए जाएं, सलमान को या फिर जो उसके वो हैं क्या नाम है क्रेडिटर्स हैं उनको पे किए जाएं, तो किसको दिए जाएं, सोचो, सोच लिया आपने? हाँ जी, अगर आपने सोच लिया तो नीचे कमेंट करके बता देना, अगर नहीं सोचा हो तो क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो ये जो 10,000 रुपये हैं ये किसको दिए जाएंगे, सोचिए। तो कोर्ट ने पता क्या ऑर्डर दिया, कोर्ट ने बताया कि जो क्या होते कंपनी होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कंपनी अलग होती है और सलमान अलग होता है, तो यहाँ पे सलमान की कोई गलती नहीं है, सारी गलती किसकी है, कंपनी की, तो उसकी सजा किसको, सलमान को नहीं दी जा सकती, क्योंकि कंपनी अलग होती है और सलमान क्या होता है, अलग होता है बिजनेस मालिक, ठीक है? हाँ जी, और इसके हिसाब से सबसे पहले एक पेमेंट किसको करनी चाहिए भाई, हाँ जी, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर हम ये मानेंगे कि सलमान नहीं है, अगर कोई और होता, मान लो अगर सलमान की जगह कोई और होता डिबेंचर होल्डर, तब किसको पे किया जाता, पहले डिबेंचर होल्डर को, फिर बाद में क्रेडिटर को पे किया जाता, आसान है? हाँ जी, तो इस टाइम पे भी सबसे पहले किसको पे करेंगे हम, डिबेंचर होल्डर को, यानी किसको देंगे दिया जाएगा पैसा, सलमान को। तो ये सारे 10,000 रुपये जो थे वो कौन ले गया भाई, सलमान ले गया, आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, मतलब कि ये केस था वो कौन जीत गया, सलमान जीत गया सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, आसान था भाई। आगे चलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे केस हैं भाई, इतने सारे केस करवाऊंगा ना तो आपका चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा, ठीक है? तो मैं जल्दी जल्दी से कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप बेफालतू में बोर होगे और इग्नोर करोगे इन सब चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से आप छोड़ के ना जाओ वीडियो, ठीक है? एंड तक देखो, क्योंकि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से पहले खाली वो बता देता हूँ टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट केस होंगे ना उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब वही होगा भाई जैसे हमेशा डालता हूँ मैं, आपके पास क्या होता है एक पेज खुल के आ जाएगा जिसको आप स्क्रॉल करके जाओगे तो नीचे PDF के फॉर्म में आपको सारे के सारे केस मिल जाएंगे, आसान है? हाँ जी, मेरे हिसाब से जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप आराम से पढ़ लेना केस, ठीक है? हाँ जी, फिलहाल चलते हैं, आगे आता है इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन, यानी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली खासियत क्या होती है कंपनी की, कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दूसरी खासियत क्या, इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन, एक इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन होता है, मतलब क्या होता है इसका, कंपनी इज ए इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इट परफॉर्म, मतलब इट फॉर्म्ड बाय रजिस्ट्रेशन अंडर वेरियस कंपनीज एक्ट, एक्ट लिखना भूल गया भाई, कंपनीज एक्ट, जो इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जैसे इंसान होता है ना वो जो जन्म लेता है वो माता पिता की सहायता से जन्म लेता है, ठीक है? हाँ जी, जो बच्चा होता है वो माता पिता की सहायता से होता है, ठीक है? लेकिन ये जो कंपनी है ये किसी क्या होते हैं ऐसे नहीं होता कि गवर्नमेंट ने दिया या फिर भगवान ने दिया कुछ ऐसा हुआ है, नहीं, कंपनी जो होता है ना जान बूझ के बनाते हैं, अपने उद्देश्य के हिसाब से बनाते हैं कंपनी को, आसान है? ये मान लो ये भी हमारा बच्चा ही होता है, हम इसको संभालते हैं हर तीस तरीके से, लेकिन ये होता है ना ये हम जान बूझ के बनाते हैं, आसान है? हाँ जी, जान बूझ के बनाने का मतलब क्या है, ये जो होता है ये जो गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट है ना, गवर्नमेंट ने बनाया है कंपनीज एक्ट, इस कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एक कंपनी को बनाते हैं उसी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन मतलब कंपनी ऐसी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसको बनाया जाता है, कंपनी को क्या होता है बनाया जाता है, अपने आप नहीं बनती, इसको बनाया जाता है, आसान है? बहुत सारे प्रोविजंस के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के नियम के हिसाब से, आसान है? जैसे कि आपको पता होगा अगर कोई पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है पब्लिक, तो उसके अंदर मिनिमम 7 वर्कर होने चाहिए, मतलब 7 वो होने चाहिए मेंबर्स, ठीक है? हाँ जी, और PUBLIC से हम यही लिख दोगे, स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ जी, अगली कोई अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई क्या है प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 2 मेंबर चाहिए। हाँ, एक होती है 1% कंपनी, 1% कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 1 मेंबर होना चाहिए, आसान है? ये मिनिमम मेंबर्स की लिस्ट है, ठीक है भाई? तो पब्लिक के अंदर 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट के अंदर 2 मेंबर, और 1% कंपनी के अंदर 1 मेंबर होने चाहिए, ठीक है? हाँ जी, तो इन सारे ऐसे ऐसे कुछ नियम्स हैं जिनको फॉलो करके क्या कहा जाता है, हमको इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन करते हैं, यानी कंपनी को बनाते हैं। आगे चले भाई, हाँ जी, अगले चलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो कंपनी होती है वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, मतलब इंसान की तरह ही माना जाएगा लेकिन एक्चुअली में इंसान नहीं है,
समझाया, कभी आप प्यार कर बैठो कंपनी से, फिर बता रहा हूँ मैं हकीकत में इंसान नहीं है ये, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कि आपका ये काम कर देगी, आपको सामान बेच देगी, आप इससे सामान खरीद सकते हो, ठीक है, आप इससे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, जैसे बच्चों से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते ना कि आप मेरा ये काम करोगे, आप मेरे काम करोगे, कंपनी भी आपका काम कर देगी, हर चीज़ करेगी, ये भी एक इंसान की तरह ही है, लेकिन आप इससे बातें नहीं कर सकते, हाँ चलते एग्रीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर इनसे बातें बातें नहीं कर सकते, तो आप एक पर्सन तो है मगर ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसको बनाया गया है, आसान है, अब ये आर्टिफिशियल है मतलब एक्चुअली में इंसान है नहीं, हाँ जी, तो इस वजह से इसकी लायबिलिटी क्या होती है भाई, लिमिटेड, इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, मतलब इसके जितने भी मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, अब लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर मान लो कंपनी डूबी तो पैसा जो क्रेडिटर उसको पैसा जितना भी चुकाना था, क्या जो मालिक है बिजनेस का वो अपने घर से लाके देगा, नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है कि जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, सीमित है, यानी अगर कंपनी डूबी तो कंपनी में जितना भी एसेट रिसोर्सेस था वही बेची जाएगी, वही उसी से रिकवर करा जाएगा सारा का सारा पैसा, जो मालिक है वो अपने घर से नहीं देना पड़ेगा उसे, आसान है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ और यूट्यूब चैनल अगर डूबा तो फिर जितने भी क्या होते हैं कि वो मांगने वाले आएंगे तो क्या मेरे से मांगेंगे घर पे आगे कि भाई तू दे, नहीं जी ऐसा नहीं होगा, लिमिटेड लायबिलिटी है, यूट्यूब चैनल जो होगा मैं वो बेच के जितना भी पैसा निकला वो दे दूंगा आपको, पे कर दूंगा, जितनी भी लायबिलिटी होगी वो चुका दूंगा, ठीक है, हाँ जी, मेरे घर से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, वो तो गलत एग्जांपल ले लिया, कंपनी का एग्जांपल लेना था, यूट्यूब का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, हाँ जी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कोई कंपनी बनाई है, आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हो कंपनी से करते हो, अगर वो कंपनी बंद हो गई या फिर आपका लॉस हो गया जिस वजह से, तो आप क्या कंपनी इसकी जगह मेरे से पैसे मांगोगे, नहीं जी, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, मैं नहीं दूंगा, जितना भी कंपनी की एसेट्स है बेसिक से वो बेच दो, बाढ़ में जाए कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी अपने आप को चुका लेगी, लेकिन मेरे पे कोई भी आंच नहीं आने देगी, आसान है, हाँ जी, तो इसकी लायबिलिटी क्या होती है भाई, लिमिटेड होती है, सीमित लायबिलिटी होती है, आगे चलते हैं, अगर आता है परपेक्चुअल सक्सेशन, परपेक्चुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, जो कंपनी होती है वो लगातार चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, आसान है, बेसिक से इसके जो मेंबर्स हैं वो चेंज होते जाएं, जितने भी क्या होते हैं, जिसने कंपनी बनाई थी वो मरता जाए, उसके बाद कोई और आ गया, कोई और आ गया, वो बेसिक से कितने लोग जो हैं बिजनेसमैन जो हैं इसके मालिक जो हैं वो चेंज होते जाएं, लेकिन जो कंपनी है वो कभी मरती नहीं है, परपेक्चुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है, आगे चलते हैं कॉमन सील, कॉमन सील, देखो कंपनी जो है वो साइन तो कर नहीं सकती क्योंकि एक इंसान तो है नहीं वो, है ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको एक दे रखी हमने सील, यानी हर कंपनी की होती है कॉमन सील होती है, यानी कि जितने भी कंपनी के ब्रांचेस है वो सारी की सारी वही कंपनी का यूज करेंगे सील को, मोहर को, ठीक है, हाँ जी, यही होता है भाई कॉमन सील, बस ये छोटा सा है। अगला ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, यानी कि जो भी कंपनी का मालिक है वो अपने शेयर्स क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी अपनी हिस्सेदारी किसी और को दे सकता है, अपनी जगह किसी और को बिजनेस का मालिक बना सकता है, आसान है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सिंपल था भाई, हाँ जी, तो जैसे क्या होता है अगर कोई इंसान है उसका मालिक कोई और बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी ये शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफर कर सकते हो, आप मालिक बन सकते हो कोई भी किसी भी कंपनी का, ठीक है भाई, हाँ जी, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जो कंपनी होती है उसकी एंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है, कंपनी अलग होती है और बिजनेसमैन अलग होता है। बात आती है कॉर्पोरेट व्हील की, कॉर्पोरेट व्हील क्या हो जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था ये कंपनी है और ये क्या है बिजनेसमैन होता है और ये बीच में दीवार बनी हुई है, यानी बिजनेसमैन अलग है और कंपनी क्या है अलग, लेकिन कई बार केस में क्या होता है कुछ फ्रॉड्स के चलते तो कंपनी को एक क्या होते हैं कुछ फ्रॉड वॉड आते हैं तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि ये फ्रॉड किए किसने, क्योंकि कंपनी तो कर नहीं सकती, उसको सजा दे नहीं सकती, तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या देखना चाहती है इस बार कि बिजनेसमैन कौन है, यानी किसने ये सजा क्या होते हैं किसको सजा दी जाएगी, तो उस टाइम पे आता है नाम क्या कॉर्पोरेट व्हील का। तो कॉर्पोरेट व्हील क्या मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि जो दीवार है दीवार की जगह बस एक पर्दा लगाओ, कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या होता है दीवार की जगह क्या लगाओ पर्दा, जिससे सेपरेट लीगल एंटिटी तो बनी रहेगी, यानी बिजनेसमैन अलग रहेगा और क्या होते हैं कंपनी क्या रहेगी अलग रहेगी, लेकिन अगर हमें कोई फ्रॉड पता चलता है या फिर कोई दिक्कत पता चलती है तो ये हम पर्दा उठा के देख सकते हैं कि कंपनी का असली मालिक कौन है, सुन मैं, यानी कंपनी के पीछे हाथ किसका है। पहले क्या होता है लीगल सेपरेट एंटिटी मतलब एक दीवार लगा दी, हम देख ही नहीं सकते, कंपनी से सारी ट्रांजैक्शन करनी है, सब कंपनी का सारी लेन देन करनी है, कंपनी की लायबिलिटी होगी, बिजनेसमैन का पता ही नहीं किसी को। लेकिन कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है, एक नया लॉ जोड़ा गया कॉर्पोरेट व्हील, जिसका मतलब क्या है दीवार की जगह क्या लगाओ बस एक पर्दा लगाओ, जिससे अगर मान लो कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी आपको पता करनी है तो फिर आप पर्दा उठा कर देख सकते हो कि अगली बार कौन है वहाँ पे। तो कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या होता है, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट व्हील इज ए कर्टेन, कंपनी क्या है एक लीगल सेपरेट मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, कॉर्पोरेट व्हील इज ए कर्टेन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। तो जो कॉर्पोरेट व्हील है वो क्या होता है एक पर्दा होता है किसके बीच में,
क्या बोलते हैं बिजनेसमैन यानी कंपनी के मेंबर्स के बीच में और कंपनी के बीच में। आसान था भाई। हाँ जी आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल का क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है? अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, अभी इससे क्या होगा, पर्दा लगाने से दीवार की जगह अगर हम पर्दा लगा दे रहे हैं तो फिर इससे इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा भाई, इसके अंदर ना थोड़ी सी वो आ गई, मतलब जो कॉर्पोरेट विल की वजह से पहले क्या था, बिजनेसमैन कोई भी फ्रॉड कर ले, कोई भी दिक्कत कर ले तो उस पर केस नहीं होगा, सीधा कंपनी पे केस होगा। तो इससे ना जो बिजनेसमैन को थोड़ा डर हो गया कि भाई हाँ मैं कोई फ्रॉड करूंगा या फिर कोई दिक्कत करूंगा तो फिर मेरे पे भी केस हो सकते हैं, वो जो गवर्नमेंट है वो पर्दा उठा के देख सकती है, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकती है और देख सकती है कि एक्चुअल में फ्रॉड किसने किया है। तो इस वजह से फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से कम हो गए। आसान है। हाँ जी, तो इससे बस ये इफेक्ट पड़ा था कि फ्रॉड होने के चांसेस क्या हो गए, कम। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं, ऐसी कौन सी गोलियां हैं, डॉक्ट्राइन दिमाग में आ गया। हाँ जी, ऐसे कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हम ये पर्दा उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि असली जो वो है चोर जो है वो कौन है, असली जो दिक्कत उठाने वाला इंसान है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं पर्दा उठाने के और देखने के लिए कि कौन असली में धोखाधड़ी कर रहा है कंपनी के अंदर। तो दो तरीकों में से पहला तरीका जो कोर्ट ने बताया और दूसरा तरीका जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। आसान है। ये तरीके वो हैं जब अगर कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट आके डिसीजन लेके और देख सकती है कि कंपनी का एक्चुअल में फ्रॉड करने वाला इंसान कौन है, और यहाँ पे कंपनी लॉ के हिसाब से ही आप देख सकते हो कि कंपनी में फ्रॉड करने वाला इंसान कौन है। ठीक है, हाँ जी, इसको बोलते हैं जुडिशियल इनप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, जुडिशियल इनप्रेजेंटेशन। जब कोर्ट चेक करती है तो कोर्ट किस तरीके से कब कब चेक कर सकती है, पहला डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर्स और नेचर ऑफ ए कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर या फिर नेचर डिसाइड करने के टाइम पे आप देख सकते हो पर्दा उठा के कि क्या बोलते हैं एक्चुअल में बिजनेसमैन कौन है। इसके अंदर एक केस था, मैं भूल गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्शन में आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, बताता हूँ वो केस क्या था। इसके अंदर क्या था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मतलब कंपनी को देखना होता है ना भाई, क्या बोलते हैं कैरेक्टर कौन है, एक्चुअल में कंपनी का मालिक कौन है वहाँ पे, तो कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एलियन कंट्रीज होती हैं, एलियन कंट्रीज, एलियन कंट्रीज मतलब ये नहीं है कि हम क्या होते हैं एक्चुअल में एलियन से बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया को छोड़ के हम विदेशों में जा रहे हैं या फिर चाइना में जा रहे हैं, मतलब चाइना एलियन नहीं है, मतलब हम इंडिया को छोड़ के क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब कि मार्स पे या फिर क्या बोलते हैं जुपिटर पे, इन सब पे जाके एलियन को पहचान रहे हैं। एलियन कंट्रीज मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री जो हमसे क्या रखती है, दुश्मनी रखती हैं। क्या रखती हैं, दुश्मनी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई सा, ठीक है, दिल से बहुत रिस्पेक्ट है हर किसी कंट्री के लिए, बस एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे मान लो इंडिया है और पाकिस्तान, आए दिन हमारी लड़ाई होती रहती है छोटी छोटी बातों पे। तो मान लो किसी एक दिन लड़ाई हो गई इंडिया और पाकिस्तान की, और उस टाइम इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि हमें क्या हो गया, वॉर के टाइम पे आना पड़ गया, ठीक है, इसकी जंग चलने लगी। तो उस टाइम पे जो भी इंडिया की में कंपनी सेटअप है ना, उनके लिए एलियन कंट्रीज कौन सी बन जाएगी, एलियन कंट्री मतलब दुश्मन कंट्री, तो दुश्मन कंट्री कौन सी बन जाएगी, पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान उस टाइम पे ना हमें देखना पड़ेगा, जैसे हम लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है भाई हमें एलियन कंट्रीज से वॉर के टाइम पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आसान है। हम क्या कहते हैं वॉर, मतलब कि हमें क्या कहता है प्रोविजन या फिर एक्ट, क्या कहता है एक्ट, कहता है भाई हमें लॉ कहता है, नियम कहता है कि हम ना एलियन कंट्रीज से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते वॉर के टाइम पे। आसान है। तो जो भी दुश्मन कंट्री है उससे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मान लो दुश्मन कंपनी इतनी मतलब कि इतनी ज्यादा वो चला गया कि पाकिस्तान इतना ज्यादा चला गया कि उसने एक कंपनी जो है वो सेटअप कर दी कहाँ पे, इंडिया में। क्या सेटअप कर दी, इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में कंपनी, मान लो ये बॉर्डर है ये पाकिस्तान ये इंडिया, तो इंडिया में कंपनी सेटअप कर दी है। और सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता है हम क्या होता है उसके असली मालिक को जान ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम तो ये मानेंगे कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में, मतलब वो इंडिया की कंपनी है, सारा पैसा कौन कमा रहा होगा, इंडिया के लोग कमा रहे होंगे, तो हम इससे लेन देन कर रहे होंगे, और ये जो कंपनी पैसा कमा के काले जा रही होगी पाकिस्तान में, और वो उनकी हेल्प कर रही होगी, क्या होता है मशीन वशीन खरीदने में पैसा अफोर्ड, मतलब इनको पैसे की हेल्प कर रही होगी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा देश ही हेल्प कर रहा है इनको किस चीज़ में, हाँ जी पैसे कमाने में। तो इस वजह से ऐसे टाइम पे ये जो है ना क्या बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी ये चेंज हो जाती है किसके अंदर, कन्वर्ट व्हील के अंदर। ये जो दीवार थी वो किस में जाती है, कन्वर्ट मतलब कि कॉर्पोरेट व्हील के अंदर चेंज हो जाती है, यानी पर्दा बन जाता है, और हम पर्दे को उठा के देख सकते हैं अब कि एक्चुअल में कौन है, यानी कि कंपनी का मालिक कौन है, एक्चुअल में एलियन कंट्री का इंसान। तो भाई बस बस अब तो ये खलास, मतलब कि ये कंपनी यहाँ पे चली नहीं सकती अब इंडिया में। आसान है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट व्हील, हम कॉर्पोरेट व्हील कब उठा सकते हैं, जब हमें चेक करना हो कि कंपनी का नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। अगर कंपनी कोई कौन चला रहा है, एलियन कंपनी के मेंबर चला रहे हैं, आसान है, तो हम उस कंपनी को आराम से क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हम चेक कर सकते हैं। तो वो बोलेगा ना, जैसे पाकिस्तान वाला बोलेगा भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तुम कैसे चेक कर सकते हो कि हमारी कंपनी जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती है, हम नहीं बताएंगे आपको हमारी कंपनी
कंपनी पाकिस्तान से बिलोंग कर सकती है। तो इस वजह से ये नियम बनाया गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ कैरेक्टर मतलब सॉरी डिटरमाइनिंग ऑफ कैरेक्टर के टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग चलते कॉर्पोरेट व्हील के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि डॉक्ट्राइन मतलब डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर, अगर आप कैरेक्टर पहचानना चाहते हो तो उस केस में आप पर्दा उठा के देख सकते हो कि एक्चुअल में जो है बिजनेसमैन कौन है या फिर कंपनी का मेंबर कौन है। आसान है? हाँ जी। तो इस केस में आप बंद कर सकते हो कंपनी को। तो आप यहाँ पे चेक मेन ये नहीं बंद करना है, मेन में बाद में कोई और भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में इंसान कौन है यानी कंपनी का मेंबर कौन है। आगे सकते हैं, दूसरा पॉइंट आता है बेनिफिट और प्रोडक्शन ऑफ रिवेन्यू। अब देखिए कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा किसको देगी? टैक्स, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की उतनी ज्यादा रिवेन्यू बनेगी यानी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा इनकम बनेगी। लेकिन कुछ लोग पता है क्या करते थे, कंपनी को ना दिखाते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कम कमाया है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो फिर उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस टैक्स से बचने के लिए कुछ कंपनी वाले करा देते हैं अपनी अपनी जो है ना छोटी छोटी कंपनी बना लेते हैं जो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती है, तो ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर कर देते हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर। आसान है? हाँ जी। ताकि टैक्स क्या भरना पड़े उन्हें, ताकि टैक्स कम भरना पड़े। तो इस टाइम पे ऐसे केसेस में हम चेक करेंगे पर्दा उठा उठा के कि भाई क्या बोलते हैं, दिखाओ तुम्हारा बाप कौन है, ये वाली कंपनी, अच्छा तेरा बाप कौन है, ये भी एक कंपनी, तेरा बाप कौन है, ये भी एक कंपनी, मतलब ये चारों कंपनी का प्रॉफिट किसका है, एक ही कंपनी का। तो हम इनको कंबाइन करके टैक्स काट सकते, वो कुछ भी कर सकते वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे जब क्या बोलते हैं हमें क्या करना हो प्रॉफिट निकालना हो या फिर क्या बोलते हैं हमें प्रोडक्शन करना हो गवर्नमेंट की रिवेन्यू का यानी टैक्स वसूल की करनी हो, तब हम देख सकते हैं एक्चुअल में बिजनेस का मालिक कौन है। इतना समझा गया भाई? हाँ जी। चलो भाई वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, ठीक है। हाँ जी, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसे ताकि ज्यादा लंबी ना बने। आगे चलते हैं, अगला आता है भाई प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड कह रहा हूँ, फ्रॉड। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील करते हैं हम, क्या बोलते हैं अगर कोई फ्रॉड करना चाहता है बिजनेस का जो मालिक है उसका क्या बोलते हैं इंटेंशन यही है कि वो फ्रॉड करना चाहता है, ऐसी कंपनी उसने खोली है जो फ्रॉड करती है लोगों के साथ, तो उस टाइम पे हम पर्दा उठा के देख सकते हैं कि भाई एक्चुअल में जो फ्रॉड है वो कौन है, ठीक है। हाँ जी, अगला चलते हैं भाई, नाम आता है अवॉइड क्या बोलते हैं अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अगर कोई जो बिजनेस का मालिक है वो वेलफेयर लेजिस्लेशन मतलब अवॉइड करता है लोगों की हितों को, क्या करता है मतलब कि अवॉइड करता है, वो देखता ही नहीं कि लोगों की हित किस में है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम कॉर्पोरेट व्हील उठा सकते हैं मतलब कि जो पर्दा है उसको हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कंपनी है उसने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है और वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा के बैठी है, तो उसे अपने बोनस मतलब बोनस के तौर पे अपने एम्प्लॉयज को भी क्या देना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब कंपनी चाहती ही नहीं है कि बोनस दे इतना सारा एम्प्लॉयज को, तो वो क्या कर देती है पता है, वो अपनी छोटी छोटी कंपनी बना देती है और वो जो प्रॉफिट है वो दिखा देती है, जो प्रॉफिट है वो किसका है, इन कंपनीज का है। मतलब कि मान लो 10 लाख का प्रॉफिट था तो 10 लाख का प्रॉफिट वो दिखाएगी तो फिर बोनस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को, तो उसकी जगह वो दिखा देती है 3-3 लाख का इन कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। तो हम मानते हैं 3-3 लाख ही तो प्रॉफिट कमाया है, तो भाई इतना कम प्रॉफिट कमाया है तो ये भी बोनस नहीं देंगे और ये भी बोनस नहीं देगा क्योंकि इसने भी कम पैसा कमाया है। समझ में आया? हाँ जी। तो इस केस में कंपनी कर देती है वो बांट देती है अपने प्रॉफिट को यानी कि अवॉइड कर देती है वेलफेयर को, अपने बोनस देने का कंपनी के एम्प्लॉयज को, ठीक है। हाँ जी। तो इस केस में हम उठा के देख सकते हैं पड़ता है भाई कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ से आया था या फिर कौन सी कंपनी ने कमाया था, कौन से बिजनेसमैन की वजह से आया था। तो यहाँ पे आप आराम से चेक कर सकते हो और क्या बोलते हैं उनको कंबाइन करके देख सकते हो आराम से, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। अगला आता है क्या नाम आता है डाइवर्सन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का डाइवर्सन करना। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डाइवर्सिफाई करता है तो वहां पे हम उठा के देखते हैं पड़ता कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी है और मेरे पास कुछ एसेट्स है। क्या है मेरे पास? एसेट्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कंपनी डूबने वाली है तो क्यों ना पहले से ही इसका बेच के एसेट्स से सारी चीजें मैं पैसा रिकवर कर लूं, है ना। तो मैंने क्या किया, अपनी सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया अपनी एक प्राइवेट कंपनी के नाम से। मेरी पब्लिक कंपनी थी, मैंने अपनी कंपनी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया सारी एसेट्स को किसके नाम पे, प्राइवेट कंपनी के नाम पे। तो अगर कंपनी डूब गई तो फिर यही वाली तो डूबेगी, मेरी प्राइवेट कंपनी तो बची रहेगी तो मेरे पास पैसा बच जाएगा। आसान है ना? हाँ जी। ये सोच के तो इस टाइम पे कॉर्पोरेट व्हील क्या जा सकती है, उठाई जा सकती है, यानी कि हम चेक कर सकते हैं कि भाई बिजनेस का एक्चुअल मालिक कौन है। अगर मान लो कंपनी डूबी तो हम इससे आपसे पैसा मतलब कंपनी का ही पैसा लेंगे, फिर तो हम उस प्राइवेट कंपनी का और फिर आपका भी पैसा क्या बोलते हैं ले सकते हैं पेमेंट करने के टाइम पे कि भाई वेंडर्स को पेमेंट करनी है। तो ठीक है भाई, अगर आप ऐसी चालबाजी करोगे तो फिर आपकी क्या बोलते हैं देखी जा सकती है सब चीज़ें, ठीक है। हाँ जी। तो डाइवर्सन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर वो डाइवर्सिफाई करता है यानी अपनी एसेट्स अपने देखता है कि मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस वजह से मैं अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी नई कंपनी में डाल देता हूँ सारी एसेट, तो वहाँ पे चेक किया जा सकता है कि एक्चुअल में मालिक कौन है, एक्चुअल में दिमागदार कौन है।
ठीक है, डिटरमाइनिंग द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जो आपने बिजनेस बनाया है वो किस तरह का बिजनेस है। जैसे कुछ लोग क्या करते थे, बिजनेस बनाते हैं लेकिन वो दिखाने के लिए कुछ और बिजनेस होता है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस कोई और काम कर रहा होता है। समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस बनाया जिसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कहते कपड़े वपड़े बेचता हूँ, ठीक है, हाँ जी, लेकिन एक्चुअल में मेरा बिजनेस ये नहीं है। एक्चुअल में मेरा बिजनेस क्या है, मैं कहते सट्टा वट्टा करवाता हूँ जिससे मेरे को लाख करोड़ का प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट है मैं कहते हैं उसको यूज करता हूँ किसकी तरह, अपने कहते कंपनी में रिवेन्यू की तरह, ठीक है, ये दिखाता हूँ मेरी वाइट मनी है। तो उस टाइम पे बिजनेस का नेचर डिसाइड करने के टाइम पे, या फिर बिजनेस का एंटरप्राइज डिसाइड करने के टाइम पे, कि डिटरमाइन द एंटरप्राइज, यानी एंटरप्राइज की शक्ल कैसी है, कैसा बिजनेस है, वो सब डिटरमाइन करने के लिए आप देख सकते हो कि एक्चुअल में बिजनेस का मालिक कौन है, ठीक है, हाँ जी। कंपनी इज शेम और फेस्ड, यानी कंपनी के शेम और फेस्ड डिटरमाइन करने के टाइम पे, ठीक है, आप देख सकते हो कि एक्चुअल में बिजनेस का मालिक कौन होगा। अब ये शेम क्या होते हैं और ये फेस्ड क्या होते हैं, मैं खुद भूल गया, दिमाग से उतर गया, हाँ दिमाग से उतर गया, क्या था ये शेम क्या था भाई, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, जलते हैं जो कमेंट बॉक्स होगा ना उसमें पिन कर दूंगा जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है, हाँ जी, जो इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं उसके अंदर पिन कर दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, तो ध्यान से। वो कह रहा भैया आपको सारा याद है लेकिन आप बता नहीं रहे, भाई क्या करें, आप मेरे को लग नहीं रहा ना कि आप क्या अच्छे तरीके से नजर रख रहे हो, तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी होना चाहिए आपको, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ना। सच में यार मेरे को सच में याद नहीं आ रहा कि क्या होता है, भूल गया, दिमाग से उतर गया, या फिर थोड़ी देर में आ जाएगा तो बता दूंगा, वरना मैं कमेंट बॉक्स में वहाँ पे पिन कर दूंगा कि भाई ये वाला जो था उसकी डेफिनेशन थी या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, हाँ जी, आगे चालू करते हैं। अगला आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ऐसे कौन से प्रोविजन है, मतलब इस टाइम में वो अच्छा रहता है, जैसे वो वाला बोर्ड नहीं होता जो वैसे वैसे बोर्ड होते हैं, कौन से नाम हो गया था, वो टीवी की तरह बोर्ड होते हैं जो, हाँ जी भूल गया नाम में उसका क्या था, तो वैसे जो बोर्ड होते हैं ना वहाँ पे अच्छा होता है, क्योंकि पीडीएफ खुली होती है, पीडीएफ के अंदर बढ़ाते जाओ और क्या होते हैं उसमें जो भी डेफिनेशन में दिक्कत हो तो आप चेक कर सकते हो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, आराम से समझा सकते हो उसमें। अब ऐसे में मैं खाली टॉपिक उतार सकता हूँ और उसमें भी याद ही नहीं आया, दिमाग से उतर रहा भाई सच में दिमाग से उतर गया, क्या था, आगे चलते हैं भाई। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन देखो ये थे, अगर आप कोई दिक्कत करते हो तो फिर कोर्ट बोल सकती है कि भाई ये पर्दा उठाओ, हमको एक्चुअल मालिक से मिलना है, एक्चुअल मालिक को देखना है, उनको सजा देनी है, ठीक है, हाँ जी। ऐसे प्रोविजन जहाँ पे आप चलते, प्रोविजन ही कहता है, जो हमने कंपनीज एक्ट प्रोविजन बनाए हैं वो प्रोविजन ही कह सकता है, हम आपके मालिक को देख लेंगे जब आप ऐसे ऐसे केस करते हो, मतलब इन चीजों की भी बात होती है तो आप एक्चुअल में अपने आप पर्दा उठा सकते हो प्रोविजन के हिसाब से। तो पहला क्या, रिडक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, तो कंपनी के अंदर मैंने बताया अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर होने चाहिए, और अगर 1% कंपनी है तो 1 ही मेंबर, ठीक है, लेकिन 7 कंपनी से अगर मेंबर कम हो रहे हैं, जैसे मान लो हमने 6 ही मेंबर, क्या होते हैं जब कंपनी खोली तो हमने दिखाई हाँ जी 7 मेंबर है तो मैं पब्लिक कंपनी बना सकता हूँ, लेकिन बीच में क्या हो गया 6 महीने बाद 1 साल बाद कंपनी का एक मेंबर क्या होता है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ कंपनी, तो वो कंपनी छोड़ के चला गया, तो उस टाइम पर अगर हमको पता चला तो हम उठा के देख सकते हैं भाई मिनिमम मेंबर कंपनी के अंदर कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, हाँ जी, तो आप दिखाओ आपके अंदर तो खाली 6 ही है, तो भाई इस वजह से कंपनी कैंसिल हो जाएगी, समझ में, हाँ जी कंपनी नहीं बनेगी है, तो उस टाइम पर हम देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कितने मेंबर हैं। जैसे ये रहा सेपरेट लीगल एंटिटी की, कंपनी अलग होती है, मेंबर्स अलग होते हैं, तो हम कंपनी के मेंबर्स को चेक ही नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे जब वो मिनिमम नंबर्स क्या होते हैं कम हो जाते हैं या फिर कंपनी के कुछ मेंबर छोड़ जाते हैं, तो जो बिजनेस है या फिर जो ऑनर है वो देख सकता है आराम से कि भाई कंपनी के अंदर कितने मेंबर है, अगर कंपनी के अंदर कम मेंबर मिल रहे हैं, यानी कम मिल रहे हैं मेंबर, तो आप कंपनी को कैंसिल कर सकते हो। आज के चले, हाँ जी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, अब जब आपको चेक करना हो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन, जैसे मैंने बताया था ये होल्डिंग कंपनी है जिसने अपने क्या बोलते हैं कुछ सब्सिडरी कंपनी खोल रखी है, तो जब आप इनका रिलेशन चेक करना चाहते हो तभी आप कर सकते हो कॉर्पोरेट विल को उठा सकते हो, यानी पर्दे को हटा सकते हो और देख सकते हो कि भाई एक्चुअल में इन कंपनीज का मालिक कौन है, एक होल्डिंग कंपनी है। आगे चले, कौन सी होल्डिंग कंपनी, आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनर, जब आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो ऑनर की, जब आप बिजनेस का मालिक देखना चाहते हो, यानी एक्चुअल कंपनी का मालिक चेक करना चाहते हो, तब उस टाइम पे आप मालिक को उठा सकते, मतलब पर्दे को उठा सकते हो और मालिक को देख सकते हो कौन है, ठीक है। डायरेक्टर और डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो जब क्या बोलते हैं मान लो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, देखो ज्यादातर कंपनी ऐसी होती है कि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी अगर कंपनी में कोई लॉस होता है सारा कंपनी झेलेगी, बिजनेस के मालिक पर कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ बिजनेस के मालिक ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि क्या बोलते हैं मैं ना क्या बोलते अगर मान लो कंपनी को लॉस होता है तो मैं अपनी जेब से भरूंगा, मैं सारा का सारा पैसा लगाऊंगा कंपनी के अंदर, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर लोग मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं पैसा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के टाइम पे
कौन से टाइम पे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी के टाइम पे कॉर्पोरेट वीडियो को उठा सकते हैं, हम देख सकते हैं बिजनेस का था, जो बिजनेस का लॉस हो रहा है वही किसका लॉस होगा? मालिक का। तो उस टाइम पे जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है हम उनसे क्या करते हैं? पैसे वसूली कर सकते हैं। तो उस टाइम पे देख सकते हैं हम कि एक्चुअल में मालिक कौन है। आगे चले, इन्वेस्टिगेशन इन अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के अफेयर्स में क्या करना है? इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई चेकिंग करने वाला गवर्नमेंट बिठाती है कि कंपनी की चेकिंग करी जाएगी, तो उस टाइम पे भी कॉर्पोरेट बिल को उठाया जाता है और चेक करा जाता है कि कंपनी के एक्चुअल मालिक कौन है। अगर कंपनी फ्रॉड करती है तो उस टाइम पे चेक कर सकते हैं भाई कंपनी का मालिक कौन है, कॉर्पोरेट बिल को उठा के। आगे चले, फेलियर ऑफ रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी, जैसे लोगों ने एप्लीकेशन मनी भिजवाई, हमारी कंपनी ने मान लेते हैं 100 शेयर इशू करे थे, तो लोगों ने 100 शेयर की जगह 200 शेयर मांग लिए, तो जो एप्लीकेशन मनी हमें रिटर्न करनी पड़ेगी ना, क्योंकि फालतू शेयर आ गए। तो उस टाइम पे रिटर्न करने के टाइम पे अगर मैं फेलियर करता हूँ, मैं देना नहीं चाहता, तो उस टाइम पे जो कंपनी के मतलब जो जिन्होंने एप्लीकेशन भिजवाई थी मनी, वो केस कर सकते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट आगे उठा सकती है इस प्रोविजन के हिसाब से। जब मैं एप्लीकेशन मनी उनकी उठाता नहीं हूँ तो कॉर्पोरेट उठा के मेरी गलती की जा सकती है, मेरे से पैसा वसूली करी जा सकती है। आगे चलते हैं, अगला आता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो मैंने प्रोस्पेक्टस इशू कराए, प्रोस्पेक्टस जैसे कि मैंने इशू कराए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो प्रोस्पेक्टस में दिखाने पड़ते हैं ना भाई कि हम किस तरीके से कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के नाम क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, क्या ऑपरेट करती है, बिजनेस के क्लाइंट कौन कौन से हैं, सारी बातें बतानी पड़ती हैं। तो अगर मैं प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें गलत दिखाता हूं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट भी उठा सकती है और चेक करते हैं कि असली जो मतलब द्रोही है या फिर जो असली गद्दार है वो कौन है, ठीक है, किसने ऐसा करवाया, ठीक है, तो मेरे को पकड़ा जा सकता है। आगे चलते हैं, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। जब मैं मिस डिस्क्रिप्शन करता हूँ नेम का, यानी कि मेरा नाम मान लो विवेक है और मैं कंपनी जो खोलता हूँ वो बोलता हूँ और मेरा नाम क्या रख देता हूँ, मैं देवेश रख देता हूँ, तो मेरा नाम कुछ और है और क्या बोलते नाम कुछ और रख रहा हूँ, तो इस वजह से क्या बोलते कंपनी का कॉर्पोरेट उठा के मेरे को पकड़ा जा सकता है कि भाई मैं धोखाधड़ी करने के चार्जेस में हूँ, ठीक है। हाँ जी, प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मैं कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ तो उससे पहले तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि क्या बोलते मैं कंपनी का, जैसे बताया ना प्राइवेट पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, कम से कम 7 होते हैं, तो फिर 7 मेंबर को दिखाना पड़ेगा ना भाई ये एक्चुअल में बिजनेस के मालिक रहेंगे, समझ में। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले ही आपको दिखाना पड़ता है क्या कंपनी के ये लोग मालिक है, तो कंपनी के मालिकों को देखा जा सकता है उस टाइम पे। आगे चले, हाँ जी, अल्ट्रा वायरस एक्ट, क्या होते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट, क्या होते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं भाई, ये दोनों सेम ही अलग हो, ठीक है। हाँ जी, जैसे लाइबिलिटी अंडर अदर देन स्टेटस, लाइबिलिटी अंडर अदर स्टेटस यानी बाकी कुछ लाइबिलिटी जो छोटी मोटी बच जाती हैं वो सारी की सारी लाइबिलिटी आती हैं इसके अंदर आती हैं, ठीक है। ऐसी अल्ट्रा वाइन सेक्टर जो भी आता है वो इसके अंदर आता है, अल्ट्रा वाइन सेक्टर के मतलब जो भी दिक्कतें होती हैं कुछ ऐसे एक्ट कर देते हैं, मान लो हम ऐसे कोई क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं या फिर कंपनी ऐसे कुछ फ्रॉड कर देती है जिसकी वजह से कोई केस हो जाता है और वो उस केस के चक्कर में कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट उठा सकती है, हमको पकड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे भाई कंपनी और हमारा नाता अलग है तो आप कंपनी को पकड़ो हमको मत पकड़ो, तो हमको भी पकड़ा जा सकता है अगर हम कुछ ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हैं तो, ठीक है। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जिस तरीके से कॉर्पोरेट भी उठा के हमको पकड़ा जा सकता है कि हम क्या बोलते हैं एक्चुअल फ्रॉड कर रहे हैं कि बोलते हैं कंपनी के नाम पे। आसान भाई, यहाँ पे खत्म होता है आपका फुल फ्लैश पूरा चैप्टर पहला का पहला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सर, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। और भाई जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, सच बता रहा हूँ भाई, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, दिल से थैंक यू भाई, जिगरे से, गुर्दे से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू, ठीक है। और जिसने नहीं किया कर दो यार, ठीक है, चलो कोई बाद में कर दिया आराम से, कहीं भागे नहीं जा रहे, हम भी यही हैं आप भी यही हैं। तो आज के लिए बस नहीं भाई, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।